हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। सो बेसिकली रिलेटिव एड्रेसिंग मोड हम यूज करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के लिए, लाइक ब्रांच है, जंप है। लेट्स से कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हमने मेन मेमोरी के अंदर लोड किया। तो जैसे ही हमने मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को लोड किया, तो ये मेमोरी को हमने ऑलरेडी वर्ड्स में डिवाइड किया है, मतलब हर एक क्या है, एक वर्ड है। और ये बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन हम ला रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन इस पूरे वर्ड में क्या हो रही है, फिट हो रही है। प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमने सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यहां पे हमने रख दिया। अब लेट्स से हमारा जो 500 लोकेशन है, ये 500 मेमोरी एड्रेस है, उस पर लेट्स से ब्रांच, लेट्स से 550, अगर मैं ये लिखता हूं, मतलब 500 जो हमारे पास एड्रेस है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो क्या है, ब्रांच 550 या जंप 550। मतलब आपको यहां से सीधा जंप करना है किस पे, 550 पे। यहां पे जो भी डेटा पड़ा है, उस डेटा को आपको क्या करना है, फेच करना है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन पे आपको जाना है। जनरली तो हम क्या करते हैं, जनरली प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, 500 इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर 501 पे आएंगे, 502 पे जाएंगे, 503 पे, 504 पे, एक एक करके सीक्वेंशियली। लेकिन हम ब्रांच को यूज कर रहे हैं, तो ब्रांच में हम क्या बोल रहे हैं कि 500 से सीधा मुझे कहां पे जाना है, 550 पे जाना है। अब इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए या तो एक मेथड क्या है, आप जैसे डायरेक्ट मैंने यहां पे लिखा है ब्रांच 550, होगा क्या, ये इंस्ट्रक्शन को जब हम फेच करेंगे, डिकोड करेंगे, तो हमें डायरेक्ट एड्रेस मिल जाएगा 550। हमने ऑलरेडी डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर हम डायरेक्ट एड्रेस दे देते हैं मेमोरी का। तो मैंने डायरेक्ट एड्रेस दे दिया 550, आप सीधा 550 पे चले जाओगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ब्रांच 550 अगर आप लिखते हो, तो इंस्ट्रक्शन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट एड्रेस का साइज मेंशन कर रहे हो, एड्रेस मतलब 550। अब लेट्स से मेमोरी के अंदर 1000 वर्ड्स हैं, अगर मेमोरी के अंदर हमारे पास 1024 वर्ड्स हैं टोटल, जस्ट एग्जांपल अगर हम ले, तो यानी आपको हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, 10 बिट लगेंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1024, मतलब 0 से 1023, तो इतनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2^10, मतलब 10 बिट्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो यानी यहां पे ब्रांच के साथ आपको जो एड्रेस दोगे उसका साइज कितना होगा, 10। ये तब जब मैं वैल्यू बहुत ही छोटी ले रहा हूं, अगर वैल्यू बहुत बड़ी लें, 1 मिलियन लें, तो 20 वैल्यू हो जाएगी, गीगाबाइट लें तो 30 हो जाएगी। तो यहां पे अगर मुझे इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा करना है, तो रादर देन मैं यहां पे इंस्ट्रक्शन, यहां पे एड्रेस दूं, एड्रेस की जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं हम, सिर्फ कि क्या ऑफसेट वैल्यू, आप डायरेक्ट उस ऑफसेट वैल्यू पे चले जाओ। कहने का मतलब क्या है, ये देखो, इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू यहां पे क्या है, जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट करनी है। तो यहां पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करनी है, तो 500 से कहां जाना है, 550 पे। तो आप प्रोग्राम काउंटर में क्या है, 500, और जाना कहां है, 550 पे। तो यानी आप कह सकते हो कि 550 लिखने की बजाय आप यहां पे 50 लिख दो, मतलब ब्रांच 50। अब क्या होगा, ब्रांच 50 जब आप इंस्ट्रक्शन को करोगे और डिकोड करने के बाद आपको पता लग जाएगा, ओके, आपको 50 लोकेशन आगे जाना है, तो 500 प्लस 50 करोगे तो 550 जो है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल, यहां पे हमने वही किया, ऑपकोड किया, और एड्रेस फील्ड जो होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन में, ये उस एड्रेस फील्ड में हमने, जिसको हम ऑफसेट भी बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल रहे हैं, उसमें मैंने क्या दे दिया, 50 वैल्यू दे दी। अब जैसे ही हमने यहां पे किया, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर में 500 है, प्लस हमने क्या किया, 50 किया, तो टोटल क्या होगा, 550। तो आप 550 पे जाके, मतलब इस जगह पे जाके ऑपरेंड को निकाल लो। लेकिन इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, या आप कह सकते हो छोटी सी इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि प्रोग्राम काउंटर जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है रिलेटिव एड्रेसिंग का। एडवांटेज हमें क्या मिल रही है, कि रादर देन गिविंग द लार्ज एड्रेस, हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू दे रहे हैं कि 50 आगे जाना है, 40 आगे जाना है, 100 आगे जाना है। तो ऑब्वियसली ये वाली बिट्स जो होंगी बहुत कम होंगी एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी। लेकिन जो मैं ट्विस्ट की यहां पे बात कर रहा हूं, या छोटा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। क्योंकि जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे, जब ब्रांच 550 को फेच करोगे, तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच होगी ना, प्रोग्राम काउंटर आपका 500 से क्या हो जाएगा, 501।
ये हमेशा पॉइंट याद रखना कि हमेशा जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस शो करता है. तो आपने 500 में जो लोकेशन, जो भी एड्रेस था 500 लोकेशन में, जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो आपने फेच कर ली. ये इंस्ट्रक्शन फेच होते ही 501 पे कन्वर्ट हो जाएगा. जब हम इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके पता लगेगा कि ओके मेरे को 50 डिस्प्लेसमेंट करनी है, मतलब 50 मेरे को आगे जाना है. लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप 501 में 50 ऐड करोगे तो 551 हो जाएगा. ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन करनी थी ये वाली फेच, लेकिन आप कहां पहुंच गए, इससे नीचे वाली पे पहुंच गए. वैसे तो फंडा यही है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि मैं एक आगे जो है वो शिफ्ट कर जाता हूं. तो आगे शिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि आपको 501 अगर ही हो जाता है तो 50 देने की बजाय डिस्प्लेसमेंट 50 मत दो, डिस्प्लेसमेंट क्या दो, 49. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको हमेशा प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देता है. तो जब आपने ये इंस्ट्रक्शन को फेच किया तो ये प्रोग्राम काउंटर बाय डिफॉल्ट 501 पे चला गया, मतलब इसके अंदर एड्रेस कितना आ गया, 501. और अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 50, मतलब यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट 50 लिखोगे तो 50 + 501 ये 551 पे चला गया, एक आगे चला गया. लेकिन मेरे को तो 550 पे जाना है. तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक कम वैल्यू, जो ओरिजिनल हमने देनी चाहते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू हम देना चाहते हैं उससे एक कम देना, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक आगे चलता है. तो यहां पे यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरा डिस्प्लेसमेंट 50 की बजाय मैं क्या दूंगा, 49. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की बेनिफिट क्या है बेसिकली, ताकि हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह पूरा एड्रेस ना देना पड़े, हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट की वैल्यू देते हैं, जिससे आपका जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और दूसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, जहां पे हमने सीक्वेंशियली कंट्रोल करने की बजाय मेरे को एक टर्म से जंप करना है, जंप करके मुझे किसी और लोकेशन पे जाना है, प्रोग्राम रीलोकेशन करना है, वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस टाइप की एड्रेसिंग मोड को हम यूज कर सकते हैं. थैंक यू.